दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, राजस्थान के जोधपुर में बलेरो कैंपर और डंपर सवार बदमाशों ने फैलाई दहशत। माता थाना क्षेत्र का मामला, स्कॉर्पियो सवार पर किया हमला। वीडियो में सड़क पर पड़ी पिस्टल और टूटी हुई कार नजर आ रही है। जोधपुर पुलिस के माता थाना क्षेत्र में मंदिर के पास बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें बुलेरो कैंपर और डंपर में सवार बदमाश एक स्कॉर्पियो कार को टक्कर मारते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, गोपेश शर्मा। गोपेश जी, ये क्या मामला हुआ है जोधपुर में, जो कि स्कॉर्पियो के एक गाड़ी के डंपर और गाड़ी से टक्कर मारी जा रही है और कोई फायरिंग की घटना भी बताई जा रही है? हरिओम, राजस्थान के अंदर बढ़ती गैंगवार और बदमाशों के होश बुलंद होते देख करके आजकल हर कोई संसद में है। आज वही हालात जैसे जिस सीकर में हुआ था, जो जोधपुर में देखने को मिला है कि खुलेआम बदमाश बोलेरो कैंपर और डंपर सवार बदमाशों ने हवाई फायरिंग करते हुए माता थाना क्षेत्र के अंदर स्कॉर्पियो पर हमला किया। वीडियो में साफ स्पष्ट पड़ी हुई पिस्टल नजर आ रही, टूटी हुई कार नजर आ रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के माता का थाना क्षेत्र में मंदिर में के पास बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है जी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है और पुलिस की किरकिरी हो रही है। इसमें बोलेरो कैंपर और डंपर में सवार बदमाश एक स्कॉर्पियो कार को टक्कर मारते नजर आते हैं जी। और पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार युवक भागता हुआ दिख रहा है, अपनी जान बचा रहा है और गुंडों ने चार फायरिंग की है। पुलिस को सूचना दे दी गई थी परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। आसपास के जो व्यापारी थे, दुकानदार थे, वो इतने घबरा गए कि वो तो बयान पर्चा भी करने में उसके वो परेशानी समझ रहे हैं जी। गोपेश, क्या अभी तक ये समझ में आया कि ये लोग कौन थे जो हमला कर रहे थे जिस तरीके से ये? हरिओम, ये अवैध खननकर्ता है, भू माफिया है, बजरी माफिया है, जो बनास के बजरी की माफिया तस्करी करते हैं वो लोग हैं और अपना क्षेत्र के अंदर नाम कमाने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए शराब के ठेकेदार हैं और ये लोग जो मिलकर के कार्य करते हैं, ऐसी वारदातों को समय समय पर अंजाम देते रहते हैं। तो पुलिस भी दहशत में रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। क्या अभी तक पता लगा है स्कॉर्पियो चालक कौन था? अभी तक पुलिस जांच में जुटी है, मौके पर पहुंची है। फिलहाल दहशत का फैलाने वाले बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। मौके से एक पिस्टल तो बरामद हो गई है। पुलिस इसका पता लगा रही है कि कौन अपराधी थे, कहां से थे और कैसे आए थे, किसको क्या करना जा रहे थे।